हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ऑल टैप ट्यूटोरियल और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइस, ये हमारी HTML टैग ट्यूटोरियल की हिंदी उर्दू सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ेंगे HR टैग। तो आइए चलते हैं। वेलकम बैक गाइस। HR टैग HTML 5.0 में थेमेटिक ब्रेक के काम आता है, मतलब कि एक सब्जेक्ट को जब हम कंप्लीट कर लेते हैं और जब दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके बीच में हम HR टैग लगा सकते हैं और वो HR टैग ये शो करता है कि यहाँ से पहला सब्जेक्ट ऑफ हो गया और दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया। लेकिन HTML 4.0 में या उससे पहले ये ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए ही यूज़ होता था। इसको हम हॉरिजॉन्टल रूल्स कहते थे, एक लाइन जनरेट करता था, सिर्फ इसके लिए ही यूज़ होता था। लाइन तो अभी भी जनरेट करता है, HTML 5.0 में भी ये लाइन जनरेट करता है, लेकिन यहाँ पर इसे थेमेटिक ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे करता है। तो गाइज़, मैंने यहाँ पर एक HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और इसका रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे गूगल क्रोम में। गाइज, मैंने ऑलरेडी ये लिखा हुआ है आर्टिकल, देखिए आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने एक H1 लगाया है इसमें डिजिटल डिवाइसेस और एक आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल में मैंने पहले लिखा है दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर, और उसके बाद मैंने HR लगाया है और HR के का मतलब है कि मैंने यहाँ से सब्जेक्ट को चेंज किया है। सब्जेक्ट दूसरा क्या है, दिस इज़ माई सेकेंड पार्ट ऑफ द आर्टिकल एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लैपटॉप, यहाँ से लैपटॉप की बात मैं करूँगा। इसके बाद मैंने फिर से यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज किया है और फिर तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ आर्टिकल एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मोबाइल। तो देखते हैं, इसको हम सेव करते हैं और सेव करके इसका रिजल्ट देखते हैं। यहाँ से हम इसे सेव कर लेते हैं और इसका यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, या देखिए पहला सब्जेक्ट क्लियर कवर होकर नीचे एक लाइन बनी हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट। तो वैसे तो ये लाइन ही बना रहा है, लेकिन HTML 5 में इसको हम कहते हैं कि ये सब्जेक्ट चेंज करने के काम में आता है। तो गाइज, ये छोटा सा ट्यूटोरियल था HR टैग का, और आपको कैसा लगा ट्यूटोरियल आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए ट्यूटोरियल में नए टैग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।